की सुगम आवाजाही के लिए अधिक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने में राज्यों से और सहयोग का किया आह्वान। रेलवे बोर्ड राज्यों के सहयोग से और अधिक ट्रेनें चलाने के लिए है तैयार। देश में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 36,824 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। मरने वालों की संख्या हुई 3,029। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 37.5%। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,62,000 के पार। मरने वालों का आंकड़ा 3,12,000 के पार पहुंचा। और भारत सहित 62 देशों ने कोरोना संक्रमण में WHO की कथित और गैर जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका की जांच करने के प्रस्ताव का किया समर्थन। प्रस्ताव को ऑस्ट्रेलिया ने किया है पेश। कोरोना वायरस संक्रमण मामले में ब्राजील ने इटली और स्पेन को पछाड़ा। अमेरिका में 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन, इटली समेत यूरोप के कई देशों में जो स्थिति है उसमें सुधार के बाद लॉकडाउन में दी गई है ढील। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बंगाल की खाड़ी चक्रवाती तूफान अम्पन सुपर साइक्लोनिक तूफान में अब वो तब्दील हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम गृह मंत्रालय और NDMA के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक वो करने वाले हैं। साथ ही भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गंभीर चक्रवाती तूफान अम्पन के बंगाल की खाड़ी में और भीषण और तीव्र हो जाने की संभावना साफ जताई जा रही है, जो कि हो चुका है। तूफान 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना के साथ आगे बढ़ रहा है। ये तूफान बुधवार दोपहर पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप समूह के बीच तटों को पार करेगा। साथ ही तूफान के कारण तटीय उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को सलाह दी है कि वो समुद्र में ना जाएं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में NDRF की 37 टीमों को तैनात भी किया गया है। और वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि पीएम मोदी देश के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न चक्रवात की स्थिति की समीक्षा आज शाम 4 बजे करेंगे। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न चक्रवात की स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे MHA और NDMA के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये ट्वीट किया है गृहमंत्री अमित शाह ने। और अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन से पहले NDRF DG क्या कह रहे हैं, ये वो बताते हैं। NDRF के महानिदेशक ने कहा कि ओडिशा और बंगाल में NDRF ने तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है। आइए सुनते हैं। गुड आफ्टरनून, दिस इज SN प्रधान, डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, विद एन अपडेट ऑन द साइक्लोन अम्फन। साइक्लोन अम्फन इज अ डेवलपिंग सिचुएशन एंड इट इज मोस्ट लाइकली एज पर द IMD रिपोर्ट टू टर्न इनटू a very severe cyclonic storm by this evening and continue to be so for some time. As far as NDRF is concerned, in Orissa and in West Bengal, a total of 37 teams have been deployed, out of which 17 are in deployment right now with 3 possible additions in West Bengal, and that will be 20 teams actively deployed and 17 teams on standby. So to repeat, in West Bengal and Orissa, a total of 20 teams will be actively deployed by the end of this day, with 17 teams on standby. In Orissa, the deployment is in 7 districts, and a total of 12 teams are deployed. In West Bengal, the deployment is in 6 districts, and a total of 10 teams are deployed. All the teams have either reached the locations or are about to reach. The teams which have started in the morning today will be reaching by evening. All the teams which have been deployed and have reached have started the awareness campaigns. As can be understood, this is a multiple challenge or at least a dual challenge, because this is a cyclone in the
time of COVID. So we are facing a double challenge, so to say, and the awareness drive is accordingly tailored for awareness both on the front of COVID-19 as well as safety from the cyclone. We have started interacting with the and coordinating with the local administration, the district administration, the state government agencies for active evacuation from the possible impacted areas. All in all, NDRF is fully geared with all the equipment and all the paraphernalia to face the situation. And we will be updating as we go along. Jai Hind. और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास और साथ ही कोलकाता से जुड़े हैं हमारे संवाददाता आनंद ब्रतो. सबसे पहले सुधाकर, मैं आपके पास आना चाहती हूं. हम जानते हैं कि जिस तरह से जो भयंकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है अम्पन, ऐसे में आज प्रधानमंत्री की बहुत अहम उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है एनडीएमए के साथ, और साथ ही साथ किस तरह से अब खतरा आगे बढ़ता हुआ. जी बिल्कुल, बैठक है प्रधानमंत्री की, और एक तरह से कह सकते हैं कि जितना संवेदनशील मामला है उस लिहाज से प्रधानमंत्री खुद इस पूरी जो स्थिति की समीक्षा करेंगे. न सिर्फ गृह मंत्रालय एनडीएमए के अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे, बल्कि एक तरह से राज्य सरकार से जो लगातार कम्युनिकेशन केंद्र का हो रहा है, गृह मंत्रालय का, एनडीएमए का हो रहा है, तो उसमें क्या जरूरतें हैं, क्या कुछ और किए जाने की आवश्यकता है, उसकी भी एक तरह से प्रधानमंत्री समीक्षा करेंगे. और हमको पता है, जैसे आपने एनडीआरएफ डीजी को सुना, कल तक जो टीमें तैनात की गई थी उसकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है. अब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा मिलाकर अब 37 टीमें मौजूद रहेंगी वहां पर, जिसमें से 20-22 टीमें ग्राउंड पर रहेंगी, तो काफी महत्वपूर्ण है. और एक तरह से ये जो तैयारियां पहले से की जाती हैं, हमने अतीत में भी देखा, चाहे साइक्लोन फोनी हो, हुदहुद हो, बुलबुल हो, इस तरह के तमाम जो तूफान आए जिसमें पहले हजारों लोगों की मौत हो जाती थी, बहुत हमने मिनिमाइज किया डैमेज को, जान माल के नुकसान को. और दूसरी बात, एक तरह से तूफान के तुरंत बाद जो रिस्टोरेशन वर्क है, खासतौर से पावर लाइंस, कम्युनिकेशन लाइंस, इस तरह की तमाम चीजें कैसे तुरंत ठीक की जा सकती है, तो उस पर जोर रहता है. तो निश्चित तौर पर एक प्राथमिकता रहेगी सरकार की कि कैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए. उड़ीसा के, नॉर्थ उड़ीसा के कम से कम कहा जा रहा है कि 7 जिलों पर असर पड़ेगा, तो उन 7 जिलों में सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचाना, और पश्चिम बंगाल में 6 जिलों की बात की जा रही है, तो उन इलाकों में क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, केंद्र से किस तरह की मदद की जरूरत है एनडीआरएफ के अलावा भी, तो ये इन तमाम चीजों की समीक्षा प्रधानमंत्री करेंगे. और प्रधानमंत्री, हमको पता है कि आपदाओं के मामले में ना सिर्फ वो सतर्क रहते हैं, उन्होंने जो तेजी से लगातार फैसले लिए हैं किसी भी आपदा में, उसकी वजह से डैमेज काफी कम से कम न्यूनतम रहा है. तो एक तैयारी एहतियात के तौर पर जितना कुछ किए जाने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 तारीख सुबह से देर रात तक इसका असर रहेगा, जब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर दीघा और हटिया आइलैंड की बात की जा रही है उसके बीच ये तूफान टकराएगा. हालांकि उस समय अभी जरूर सुपर साइक्लोन की शक्ल लेने वाला है, कुछ वक्त में ले लेगा, लेकिन उस वक्त जब ये तूफान तट से टकराएगा तो उस समय ये कहा जा रहा है कि ये अत्यंत तीव्र चक्रवाती तूफान यानी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा, तो जिसकी गति जो है 155 से 165 किलोमीटर और 180 किलोमीटर तक ये जा सकती है. तो लेकिन ये भी अगर उपाय ना किया जाए, एहतियाती उपाय, तो सुरक्षित स्थानों पर ना रहें तो उससे काफी नुकसान हो सकता है, तो उसका जायजा प्रधानमंत्री लेंगे. मुमकिन है कि गृह मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे, तो काफी ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है पूरी तैयारियों की समीक्षा के लिए. तूफानों को भी समुद्र में ना जाने के लिए कहा गया है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के खासतौर से मछुआरों को. और अगले आज कल परसों, एक तरह से कह सकते हैं कि 21 तारीख तक मछुआरे अगर परहेज करें तो उससे काफी सुविधा रहेगी जो रिलीफ रेस्क्यू वर्क में जो अथॉरिटीज लगी हुई है. कोशिश है कि केंद्र और राज्य मिलकर समन्वित तरीके से, जैसे पिछले फोनी जैसे तूफान का मुकाबला किया था, इस तूफान का भी मुकाबला किया जाए, ताकि जान माल का किसी तरह का नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन न्यूनतम से न्यूनतम नुकसान. बिल्कुल तो केंद्र और राज्य सरकारों को सामंजस्य के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि इस तूफान से हम निपट पाए. सुधाकर, आपसे आगे भी बुलेटिन में इस पूरे मामले पर अपडेट्स देते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन हमारे साथ अनिमृतो भी कोलकाता से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर. अनिमृतो, जिस तरह से हम जानते हैं कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 37 टीमों को तैनात किया गया है, अगर प्रशासनिक तौर पर देखें किस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है इस तूफान से निपटने के लिए.
the West Bengal government is working or acting in coherence with the directive of the central government. Meanwhile, all precautions have been taken, and the people who are residing, particularly in the coastal belt and particularly by the side of the Digha, in the coastal areas of Digha, they have been evacuated. And the mic-ing is being done, and the administration has taken all precautions ready, because it has been heard that this Amphan, the super cyclone, is tip to make a landfall between Digha in Bengal and Hathia Island in Bangladesh. It's on Wednesday evening. So, meanwhile, all precautions have been taken, and the cyclone Amphan developed into a severe cyclone, and over Bay of Bengal, it's taken data to the potential of becoming a very severe cyclone in the next 24 hours. So the cyclone is likely to bring heavy rainfall and heavy high velocity of wind in the coastal belts of West Bengal. So all precautions have been taken, and NDRF team has... बिल्कुल, तमाम तौर पर जो एहतियात है वो बढ़ती जा रही है, और लगातार अनंबर तो हम आपसे आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और रुख कर लेते हैं अन्य खबरों का। देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया, लेकिन लॉकडाउन के नए नियमों में कई क्षेत्रों में पहले के मुकाबले काफी छूट दी गई है, ताकि कोरोना से बचाव के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी लॉकडाउन के जो 4.0 है उसके दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में सार्वजनिक जो कार्यक्रम है उन पर रोक रहेगी। ये जो लॉकडाउन 4.0 है इसमें राज्यों के पास फैसले लेने का ज्यादा अधिकार होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है वो पहले की ही तरह जारी रहेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का अगर हम जिक्र करें तो वो प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही मेट्रो सेवा, ये वो चीजें हैं जो पाबंदी रहेगी, जिन पर पूरे देश में स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अभी बंद रहेंगे। ये लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देश हैं। सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम, इन सभी पर फिलहाल पाबंदी है। तमाम धार्मिक गतिविधियां और पूजा स्थल, इन पर भी पाबंदी रहेगी। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोह जो हैं उनमें भी पाबंदी रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक है, इसका हम सबको पालन करना है। स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर 65 साल से अधिक उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते बाहर। प्रतिबंधित चीजों के अलावा बाकी गतिविधियों की इजाजत, यानी क्या क्या छूट मिलने वाली है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुले रहेंगे, लेकिन दर्शकों यानी स्पेक्टेटर्स को अनुमति नहीं है। रेस्टोरेंट्स को अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो होम डिलीवरी की इजाजत है। राज्यों के आपसी सहमति के से बस और यात्री वाहनों का जो अंतर्राज्यीय आवागमन है यानी कंटेनमेंट जोन को अगर छोड़ दिया जाए तो वो हो पाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के फैसले के तहत ये होगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय किए जाएंगे। रेड और ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट और बफर जोन तय किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं उन्हीं की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन से लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और आवश्यक सेवाओं की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जो है घर घर जाकर जांच की जाएगी। सार्वजनिक कार्यस्थल पर फेस मास्क जो है वो अनिवार्य है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो फेस मास्क पहने। थूकना जो है वो दंडनीय अपराध है। देश भर के लिए दिशा निर्देश हैं। सार्वजनिक स्थल और यातायात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर वैवाहिक कार्यक्रम है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिर्फ 50 लोगों की अनुमति, और अगर आप अंतिम संस्कार का जिक्र करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकतम सिर्फ 20 लोग हैं जिन्हें अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तंबाकू और शराब का सेवन प्रतिबंधित है। दुकानों में 2 गज की दूरी है जरूरी, वो बनाना बेहद जरूरी है। ये देश भर के लिए दिशा निर्देश। दुकानों के अंदर अधिकतम 5 व्यक्तियों को अनुमति है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना पड़ेगा जब दुकान के लिए सामान लेने जा रहे हैं। कार्यस्थल के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश हैं। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम का पालन किया जाए। दफ्तर, दुकान और जो संस्थान है वहां पर शिफ्ट में काम किया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाए। प्रवेश और निकास द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और हाथ धोने की जो सुविधा है वो जरूरी है। कार्यस्थल की सुविधाओं और मानव संपर्क के स्थानों जैसे दरवाजे आदि को बार बार सैनिटाइज करना, क्योंकि हम लगातार खोलते हैं दरवाजों को। कार्यस्थल पर हर शिफ्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करना बेहद जरूरी है। और इसी पूरी खबर पर
कर्नाटक सरकार ने भी जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि जो प्रदेश है उसके विभिन्न जिले हैं वो क्या नई गाइडलाइंस हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आयशा अखानम जुड़ी हुई हैं। आयशा, कर्नाटक सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं विभिन्न जिलों को लेकर, आखिर वो है क्या, अगर आप उस पर रोशनी डाल पाए तो। जी देखिए अंचल, कर्नाटक सरकार ने अभी अभी ऐलान किया है कि कल से जो है कर्नाटक में अंतर जिला जो बसेस होंगी वो शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन इसमें भी कंडीशंस अप्लाइड होंगे, यानी कि एक बस में सिर्फ 30 यात्री सफर कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि हर रविवार को 31 मई तक हर रविवार को संपूर्ण बंद रहेगा, यानी किसी तरह की कोई गतिविधि अलाउड नहीं की जाएगी, महज एसेंशियल सर्विसेज के लिए इजाजत दी जाएगी। तो 31 मई तक, यानी 31 मई तक दो रविवार होंगे, तो दोनों रविवार पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा पूरे राज्य में और कोई गतिविधि नहीं रहेगी। तो ये सबसे अहम है, क्योंकि सरकार का कहना है कि राज्य में लगातार केसेस की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव केसेस जो है कल से लेकर आज तक 84 हो गए। ये पहली बार है कि कर्नाटक में 80 से ज्यादा एक दिन में केस रिपोर्ट हुए हैं। अभी तक महज 20 या 30 होते थे, लेकिन आज जो है 80 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे में कर्नाटक सरकार कोई चूक, किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होने देना चाहती, तो यही वजह है कि सरकार ने अब कहा है कि जो अंतर राज्य सफर करेंगे लोग उन्हें कंपल्सरी क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी जो डिस्ट्रिक्ट जो राज्य के बॉर्डर्स होंगे वहीं पर उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना से आने वाले तमाम लोगों को 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी है। इसके अलावा सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का फैसला किया है, और खास बात यह है कि 24 या 25 तारीख को ईद उल फित्र है, यानी ईद की नमाज जो है घरों में ही अदा की जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने सरकार पर ये दबाव डालने की कोशिश की थी कि ईद के लिए नमाज के लिए इजाजत दी जाए, लेकिन सरकार ने इस डिमांड को नकार दिया है। और अब ईद जब होगी 24 या 25 तारीख को, तो नमाज घरों के अंदर ही होगी। ये बड़ा फैसला है सरकार की तरफ से। और कल से टैक्सी और मैक्सी कैब्स को चलने की इजाजत भी दी गई है, लेकिन इसमें भी दो या तीन मुसाफिरों से ज्यादा लोग सफर नहीं कर पाएंगे। तो कर्नाटक सरकार ने जो केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसको ठीक उसी के नक्शे कदम पर ये दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन दोनों रविवार को संपूर्ण बंद रहेगा कर्नाटक में। ये खास है, अहम है, क्योंकि ये जरूरी है, जबकि पूरा हफ्ता लोग बाहर निकलेंगे तो एक दिन कम से कम तमाम लोग क्वारंटाइन रहेंगे, तो ये एक एहतियाती कदम सरकार ने उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर कर्नाटक सरकार ने कहा है कि मई में जो दो रविवार आएंगे उसमें पूर्ण कर्फ्यू रहेगा, साथ ही साथ जिलों के बीच में उन्होंने परिवहन सेवा को इजाजत दी है, साथ ही साथ जो ईद की नमाज है वो घर पर ही अदा की जाएगी। तो काफी अहम फैसला कर्नाटक राज्य सरकार का, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नोवल कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, ये एक नया वायरस है जो स्पीशीज जंप करके एनिमल से ह्यूमंस में आया, और इस वायरस ने अपने आप को चेंज किया जिससे वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर सकता है। अब ये बेसिकली एक ह्यूमन वायरस है, और एक इंसान से दूसरे इंसान से खांसने से, ड्रॉपलेट से फैलता है। सम आर डूज एंड डोंट्स की भाई, हैंड वॉशिंग, डोंट वरी अबाउट नॉनवेज, डोंट वरी अबाउट पेट्स, सम पीपल आर सीइंग ऑफ पेट्स के बारे में। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बट वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एंड मेंटेन डिस्टेंस इफ यू कैन व्हाइल ट्रैवलिंग। अगर बाहर नहीं गए और घर पे ही हैं तो यू कैन इवन से आफ्टर एवरी 6 आवर यू कैन डू इट, पर अगर ट्रैवल कर रहे हो और बार बार चीजें टच कर रहे हो तो एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। करते हैं अन्य खबरों का। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में सहयोग करें, ताकि प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा कि अगर राज्य तुरंत मंजूरी दे दें तो ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सेहत के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाए।
इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जो भी पैदल चलते पाया जाएगा उन्हें कैंप्स तक पहुंचाया जाए और श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स की व्यवस्था की जाए। देश में कोविड 19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 37.5% हो गई है। पिछले 24 दिन के दौरान संक्रमित मामलों के दोगुना होने की दर 11.5 रही, जो पिछले 3 दिन में गिरकर 13.6% रह गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक कोविड 19 से 96,169 व्यक्ति संक्रमित हुए, इनमें से 36,824 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड 19 के संक्रमण से कुल 3,029 लोगों की मृत्यु हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आज 169 भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के विमान से कोलकाता लाया जाएगा। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने प्राथमिकता के आधार पर भारत भेजने के लिए नागरिकों का चयन किया। वापस आने वाले नागरिकों में 73 छात्र, 16 वृद्ध, 45 फंसे हुए पर्यटक, 1 गर्भवती महिला और 16 मेडिकल इमरजेंसी के मामले हैं। ढाका समेत बांग्लादेश के 18 जिलों से इन नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है। थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट। वंदे भारत मिशन के तहत हम लोगों को वापस लिया जा रहा है, तो इसीलिए मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को। आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अरेंजिंग दिस स्पेशल फ्लाइट टू कोलकाता। माई स्पेशल थैंक्स goes to the Indian High Commission Dhaka and Indian High Commission Chittagong. I came to Chittagong, but I did not get flight for some days. So, through Indian High Commission Dhaka or through Vande Bharat missions, I got the flight now. So, thank you very, very, thank you so much to Vande Bharat missions and thank you so much to Indian government. I am a student from BC Trust Medical College, Chittagong. We are very thankful to our honorable Prime Minister and our government of India and to our High Commission for such kind help. We are very thankful to our government and External Affairs and Indian Embassy. Thanks for helping us. Government of India for such a evacuating plan, and we are very happy because we are condition of getting out soon in Bangladesh. So thank you for thank you both of embassies and government for evacuating us. Thank you. I am also thankful. Thanks to Indian government and High Commission of India for helping us and helping us and get for evacuating us from here. Thanks for thank you. Yes, sir. Obviously, without them, I'm not getting any help. So I'm very thankful to our Indian embassy as well as our government of India. वंदे भारत मिशन के तहत दिल्ली और बेंगलुरु के लिए 2 उड़ानें मालदीव की राजधानी से सप्ताह संचालित की जाएंगी, जिनके माध्यम से 300 भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी होगी। माले में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि शुक्रवार को एयर इंडिया की उड़ान बेंगलुरु से संचालित होगी, जबकि शनिवार को विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। दोनों उड़ानों में 149 यात्री सफर करेंगे, जिनमें 8 यात्रियों की व्यवस्था बिजनेस क्लास में की गई है। बेंगलुरु की फ्लाइट में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग होंगे, जबकि राजधानी के लिए उड़ानें भरने वाले विमान में दिल्ली सहित हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों की वतन वापसी होगी। शॉर्टलिस्ट किए गए यात्रियों के नामों की घोषणा कल शाम की जाएगी। उच्चायोग ने कहा कि चिकित्सा आपातकाल, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, फंसे हुए पर्यटकों और मृत्यु जैसी पारिवारिक आपात स्थितियों का सामना कर रहे लोगों को मालदीव सरकार प्राथमिकता देगी। इससे पहले समुद्र सेतु मिशन के तहत करीब 1500 भारतीय नागरिकों को 3 भारतीय नौसेना जहाजों द्वारा पड़ोसी देश में फंसे नागरिकों को स्वदेश पहुंचाया गया था। INS जलाश्व कल 588 लोगों के साथ कोच्चि पहुंचा, जबकि पिछले रविवार को इसकी पहली यात्रा में 698 लोग आए थे। पिछले मंगलवार को INS मगर 2020 लोगों के साथ कोच्चि पहुंचा। सरकार ने सोशल मीडिया पर भीड़भाड़ वाली एक ट्रेन के वीडियो को खारिज कर दिया, जिसमें ये संदेश दिखाया गया था कि ये श्रमिक विशेष रेलगाड़ी मुंबई से पश्चिम बंगाल प्रवासी मजदूरों को ले जा रही है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा, ये खबर झूठी है। PIB ने स्पष्ट किया
कि ये वर्ष 2018 का बांग्लादेश की भीड़भाड़ वाली एक रेलगाड़ी का पुराना वीडियो है। देश के तमाम राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का सिलसिला जारी है। भारतीय रेल ने रविवार को कहा कि 1 मई से उसने 1300 श्रमिक विशेष ट्रेन चलाई हैं और इसके जरिए 17 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। रेलवे ने कहा कि पिछले 3 दिन के दौरान रोजाना करीब 2 लाख से अधिक लोगों को पहुंचाया गया। आने वाले दिनों में यह बढ़कर प्रतिदिन 3 लाख यात्री होने की उम्मीद है। अब तक अधिकतर ट्रेनें उत्तर प्रदेश से 500 से अधिक ट्रेनों के परिचालन की मंजूरी मिली है। इसके बाद करीब 300 ट्रेनों की अनुमति देने के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों से और अधिक ट्रेनों को अनुमति दिए जाने पर अपील कर रहे हैं। WHO की 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आज से शुरू हो रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ सहित दुनिया के 62 देशों ने कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए WHO द्वारा उठाए गए कदमों पर निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच के मसौदे का समर्थन किया। यूरोपीय राष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक मूल्यांकन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की थी। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।